अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करें मैडम? जी श्योर, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। मैडम सना इज करंटली वर्किंग एज अ लेक्चरर इन फातिमा जिन्ना वुमन यूनिवर्सिटी एंड हर डिपार्टमेंट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उनकी तरफ उनके हैंडओवर करता हूं और वो ताकि अपना मजीद इंट्रोडक्शन करवा दें। और 1 घंटे का ये तकरीबन वेबिनार है, तो वी शुड स्टार्ट द इवेंट नाउ। जी मैडम, आपके ऊपर हैंड ओवर करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और फ्रेश होंगे, क्योंकि अब तो काफ़ी लेट हो गया है, सो के उठ चुके होंगे। एंड मेरा नाम, जैसे सर ने बताया, मैं सना मुकर्रम हूँ। मैं फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। मार्केटिंग लास्ट 4 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ एट बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल 2। मेरे बच्चों ने डिफरेंट मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स विन किए हैं। हमारी लिस्ट में एक लॉन्ग लिस्ट है विनिंग प्रोजेक्ट्स की। और मार्केटिंग, अगर मैं पर्सनली कहूँ, तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है। और मैं जितना पैशनेटली मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी और सब्जेक्ट को ऐसा टाइम देती हूँ। और इंशाल्लाह मैं पीएचडी परज्यू करने जा रही हूँ, तो वो भी मेरा मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। आप सबको आज जो है हम मार्केटिंग, क्योंकि मुझे सर ने बताया है कि आप लोग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, और यूजुअली हम उसमें मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स जो है कोर्स आउटलाइन में नहीं होते या पार्ट ऑफ द कोर्स नहीं होते। सो आज हम मार्केटिंग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे से। आई विल ट्राई माई बेस्ट के जिसमें एग्जाम्पल्स ऐड करके और इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया जाए। और बड़े हैं ये बड़ी बेसिक्स, आज का जो वेबिनार है, दीज आर द बेसिक्स अबाउट मार्केटिंग, बट दे आर सो इम्पॉर्टेंट कि इन्हीं बेसिस पे जो है ना फाउंडेशन बनती है। सो इफ़ यू नो दीज बेसिक्स, यू कैन गो फॉर यू नो एनीथिंग फॉर योर बिजनेस। और ये छोटी छोटी बातें जो आज हम सीखेंगे, ये आपके बिजनेस को, एक सिंपल से बिजनेस को बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। हम आज कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे कि बाज़ बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पैसे से या इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं, बट वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट केयर ऑफ दिस मार्केटिंग थिंग्स। सो क्योंकि मैं अपना कैमरा और स्लाइड्स दोनों बैक वक्त नहीं शेयर कर सकती, सो दैट्स वाई आई अब मैं कैमरा ऑफ करूँगी, अपनी स्लाइड शेयर करूँगी। एंड आई होप कि एट द एंड ऑफ द सेशन, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड बाई द वे, ड्यूरिंग द सेशन भी अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है, सो यू कैन यू नो ऑन योर कैम माइक और मुझसे जो है एक्सक्यूज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। चलें जी, अब मैं अपनी स्लाइड्स दोबारा शेयर करती हूँ। ओके जी, सो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आज हम पढ़ रहे हैं। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माई टूडेज सेशन, के आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊँ मार्केटिंग का। और एक टर्म होती है मार्केटिंग मिक्स, क्या होती है मार्केटिंग मिक्स, इसको देख लेंगे हम। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जी कस्टमर सेंटर्ड फोकस स्ट्रेटजी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ये कैसे बनानी चाहिए, कस्टमर फोकस कैसे रहें हम, हाउ टू सेगमेंट एंड टारगेट द मार्केट। मार्केट बहुत बड़ी होती है, हमें उसको कैसे सेगमेंट्स में डिवाइड करके टारगेट करना है, इसका हम कुछ एक बेसिक्स लेंगे। फिर देन वी विल अंडरस्टैंड कि कंपेटिटर्स कौन होते हैं और कंपेटिटर्स का ख्याल कैसे करना चाहिए, क्या उनको खींच के पीछे फेंक देना चाहिए या उनसे आगे निकल जाना चाहिए या उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। एंड लास्ट में एक छोटा सा ब्रीफ पोर्शन जो होगा वो ब्रांडिंग पे भी होगा, बिकॉज आजकल जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा कि ज़माना ही ब्रांड्स का है, जो है सोशल मीडिया पे ब्रांड्स चल रहे हैं, कपड़ों में ब्रांड्स चल रहे हैं, जूतों में ब्रांड्स चल रहे हैं, खाने पीने में ब्रांड्स चल रहे हैं, बल्कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में भी और स्कूल्स में भी ब्रांड्स चल रहे हैं। सो कैसे अपने बिजनेस का ब्रांड बनाया जाए, सो उसके लिए एक छोटी छोटी कुछ स्ट्रेटजीज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, जो मैं अपनी हर क्लास के स्टार्ट में, क्योंकि जब बच्चों ने बिल्कुल मार्केटिंग नहीं पढ़ी होती, मैं उन सबसे पूछती हूँ कि व्हाट इज मार्केटिंग, काइंडली टर्न ऑन योर माइक्स। और अब तक की लाइफ में जब आपको कहा जाता है ना कि फलानी कंपनी मार्केटिंग कर रही है या फलाना स्टूडेंट मार्केटिंग कर रहा है या फलाना ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रही है, क्या समझ आता है मार्केटिंग क्या है आपकी नज़र में, अब तक की आपकी नॉलेज के मुताबिक गलत है या सही है, इसकी फिक्र किए बगैर मुझे बताएं
मार्केटिंग क्या है आपके लिए? एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम, मार्केटिंग है कि अपनी जो प्रोडक्ट है ना मैम, उसकी स्पेसिफिकेशंस बता के लोगों को उसकी तरफ मोटिवेट करना कि वो परचेज करें, मतलब उसे आपकी प्रोडक्ट को जाने वो परचेज करें, उसकी मतलब ऐसी स्पेसिफिकेशन बताना जो कि आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर हो। ठीक है, सो इट मींस मैं ये कह सकती हूँ कि आप कह रहे हैं कि इट्स अ कम्युनिकेशन विद योर कस्टमर्स, कि आप बता रहे हैं बात। ठीक है, गुड, वेरी गुड। डिफरेंट वेज मैम, इसमें डिफरेंट मतलब किसी तरह थ्रू मतलब मीडिया भी हो सकती है, थ्रू मतलब इधर उधर मतलब फिजिकली भी हो सकती है मैम। ओके गुड जी, एनीबॉडी एल्स? अगर आप लोग नाम मैम अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट करवाना, सॉरी मैम अपनी चीज के बारे में दूसरों को बताना कि हमारे पास ये चीज है, इनके एडवर्टाइजमेंट करवाना। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने कहा कम्युनिकेशन करना कस्टमर के साथ, जो सेकंड स्टूडेंट है आप काइंडली अपना नाम बताएं। मोहम्मद अहमद सदीक। मोहम्मद बिलाल असलम। अच्छा, मोहम्मद अहमद ने कहा है कि ये एडवर्टाइजिंग है, और मोहम्मद बिलाल आई थिंक कह रहे थे कि असलम। बिलाल असलम कह रहे थे कि वो कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स है। ठीक है जी, एनीबॉडी एल्स? कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग क्या है मैम? अपनी प्रोडक्ट ब्रांडिंग। ओके ओके, अब ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बहुत लोग मार्केटिंग को ब्रांडिंग से कोलेट करते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये ठीक है कि नहीं। अभी मैं सिर्फ आपके आंसर्स ले रही हूँ। एनीबॉडी एल्स? जी मैम, लेकिन व्हाट इज ब्रांडिंग मैम, ब्रांडिंग क्या है बेसिकली? आप वो हम पढ़ेंगे ना, वो तो हम देखेंगे, पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मार्केटिंग क्या है वो बताएं, जो आपको समझ आती है, जो आपको समझ आती है। आई नो कि आप लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी नहीं है एज अ सब्जेक्ट, सो इसलिए आपकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करवाना, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या प्रोडक्ट की क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए। ओके गुड, ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं या प्रमोट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है जी, आप कोई और बताना चाहेगा कि मैं आगे बढ़ूं? मैम मार्केट में किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना मेरे ख्याल से मार्केटिंग। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना इज मार्केटिंग। क्या? ठीक है जी, नोटेड। मैम सेलिंग, टू सेलिंग योर प्रोडक्ट इन बेस्ट वे इज कॉल्ड मार्केटिंग। हाँ, सेलिंग योर प्रोडक्ट इन द बेस्ट वे, बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, अब ये बेस्ट वे क्या होती है ये भी एक रिलेटिव चीज है, बट या यू आर राइट टू सम एक्सटेंट कि जी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है जी, एनीबॉडी एल्स? मतलब आपकी प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट से किस तरह बेहतर है और इसमें क्या इनोवेशन है इसके बारे में दुनिया को बताना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं आपको जो आपके सारे व्यूज तो मैंने ले लिए, आई थिंक सबके ले लिए, टाइम हमारा थोड़ा सा कम है तो हम इसको आगे लिख के जाते हैं कि एक्चुअली मार्केटिंग होती क्या है। बिल्कुल ठीक कहा, हम जब नॉर्मली, जब मैंने भी मार्केटिंग नहीं पढ़ी थी, मैं भी बैचलर्स में थी, तो मेरा भी जहन में यही होता था कि जो प्रमोशन है उसको मार्केटिंग कहते हैं। बिलबोर्ड लगा हुआ है तो ये कंपनी मार्केटिंग कर रही है, टीवी पे इश्तिहार चल रहा है तो ये कंपनी मार्केटिंग कर रही है, अगर जो है रेडियो पे इश्तिहार चल रहा है तो ये कंपनी मार्केटिंग कर रही है। बट मार्केटिंग एक्चुअली प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इंट्रोडक्शन से कुछ थोड़ी आगे है। एक्चुअली प्रमोशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है ना, मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और टीवी, रेडियो एडवर्टाइजमेंट, ये जो जिंगल्स आपको सुनाई देते हैं, आपको जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कंपनीज के या प्रोडक्ट्स के पेजेस नज़र आते हैं, दीज आर जस्ट प्रमोशंस एंड दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द, जो है वो पार्ट ऑफ द होल मार्केटिंग है। ठीक है ना, तो मार्केटिंग जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि या आपसे पूछूँ कि स्टूडेंट्स बिरयानी क्या होती है, ठीक है, और आपको, आप सब रिप्लाई करें कि बिरयानी जो होती है वो राइस होता है या चावल होते हैं, ठीक है, तो क्या ये आंसर ठीक है? नहीं ना, बिरयानी में तो स्पाइसेस भी होते हैं, बिरयानी में तो मीट भी होता है, बिरयानी में तो आलू भी होता है, बिरयानी में तो कलर भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइस जो है वो पार्ट ऑफ द बिरयानी है। सो आप सबके आंसर गलत नहीं है, आप सबके आंसर ठीक है, बट आपके आंसर कंप्लीट नहीं है। मार्केटिंग जो है वो सिर्फ प्रमोशन नहीं होती है, मार्केटिंग प्रमोशन के अलावा
और क्या क्या होती है, लेट्स सी. मार्केटिंग जो होती है वो बेसिकली रिसर्च करना होती है, आपके कस्टमर के पार्टनर एंड कंपेटिटर्स को डिफाइन करना होती है, आपकी मार्केट को सेगमेंट करना और पोजिशन करना होती है. अभी क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे. आपके इनोवेशन में, प्रोडक्ट इनोवेशन में या लॉन्चिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो चैलेंजिंग्स आ रहे हैं, उनको डील करना मार्केटिंग होती है. अपने चैनल्स को रिकग्नाइज करना मार्केटिंग होती है. डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स को, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स होते हैं कि आप किन किन चैनल्स के थ्रू अपने कस्टमर से बात करेंगे. क्या वो टेलीफोन के थ्रू करेंगे, क्या वो मैसेज के थ्रू करेंगे, क्या वो आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, या आप घर घर जाएंगे. ठीक है, ये सारे डिसीजन लेना मार्केटिंग होती है. इसके अलावा प्राइसिंग भी मार्केटिंग होती है. राइट प्राइसिंग करना. अगर आप कपड़ा बना रहे हैं तो अगर लॉन का सूट विदाउट एम्ब्रॉयडरी है उसकी ये प्राइस होगी, अगर एम्ब्रॉयडरी के साथ है तो उसकी ये प्राइस है, अगर वो हैंड वूवन है तो उसकी ये प्राइस है. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ योर प्रोडक्ट उसकी प्राइसिंग करना भी मार्केटिंग है. ठीक है, सो प्रमोशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द मार्केटिंग. जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को जब मार्केटिंग पढ़ाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले ही बात ये कहती हूँ कि बेटा प्रमोशन इज नॉट जस्ट मार्केटिंग. ये कह देना किसी का इश्तिहार देके कि ये मार्केटिंग हो रही है, ये मार्केटिंग स्टूडेंट को ये एटलीस्ट ये बात नहीं करनी चाहिए. अगर आपने मार्केटिंग पढ़ी है तो मार्केटिंग इज जस्ट नॉट प्रमोशन. इट इज प्रोडक्ट, इट इज प्लेस, इट्स प्रमोशन एंड इट्स द प्राइसिंग. ये चारों चीजें मिल के मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. जी मैम, कितनी प्रोडक्ट को सेल करना ये भी मार्केटिंग नहीं होता? होता है ना. सेल इज व्हाट, सेल करना क्या होता है, उसको प्राइस उसका डिसाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं. देखो अब ये चारों पीस पे तुम काम कर रहे हो. आपने पहले प्रोडक्ट बनाया, लेट सपोज आपका कपड़ा था एक प्रोडक्ट, आपने पहले प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, इट्स अ प्रोडक्ट, कपड़ा है वो, लॉन का कपड़ा है. फिर आपने उसकी प्राइसिंग डिसाइड की कि ये कितने पैसे में बिकेगा, 200 रुपये का सूट बिकेगा या 250 का मीटर बिकेगा. उसके बाद आपने उसकी प्लेस डिसाइड की कि ये कहाँ बिकेगा, क्या जो मेरे कपड़े का आउटलेट है वो मेन सदर में होगा या वो कमर्शियल मार्केट में होगा या वो अंदरून शहर में होगा. फिर आपने उसको प्रमोट किया, इश्तिहार लगाया उसका, बिलबोर्ड लगाया, या जो है आपने अपनी फ्रेंड्स को टेक्स्ट मैसेजेस किए. ये सारा प्रोसेस जो होता है इसको मार्केटिंग कहते हैं. और अगर आप अल्टीमेटली देखो तो ये आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कर रहे होते हैं ना आप. एम आई राइट, सेंस बन रही है कुछ के नहीं? जी मैम. यस मैम, यस मैम. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स ये एक बोल ऑफ मिक्स है जिसमें 4 P's हैं, द फेमस 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. लेट सपोज आप एक सेल फोन बनाने की बात करते हैं तो आपकी रिसर्च टीम बैठेगी और वो मार्केटिंग करेगी. सबसे पहले वो प्रोडक्ट पर रिसर्च करेगी कि इस वक्त मार्केट में कितने फोन अवेलेबल हैं और मेरे प्रोडक्ट में कौन सा फीचर होगा. ठीक है, अगर इस वक्त आईफोन भी अवेलेबल है, सैमसंग भी अवेलेबल है, ओप्पो भी अवेलेबल है, क्यू मोबाइल भी अवेलेबल है, आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो प्रोडक्ट क्या होगा, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे वो डिसाइड किए. अब उसकी प्राइस क्या होगी, आईफोन सैमसंग ओप्पो क्यू मोबाइल के मुकाबले में मेरे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी. अब मेरा प्रोडक्ट प्लेस कहाँ होगा, जब बन जाएगा कीमत भी उस पर लग जाएगी, अब वो कहाँ मैं रखूँ कि कस्टमर आसानी से आए और उसको पिक कर ले, क्या उसका अपना ऑफिशियल आउटलेट होगा या मैं उसको जाके मोबाइल मार्केट में किसी मोबाइल की दुकान पर रख दूंगी एक शेल्फ पे. ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, दोनों गलत नहीं है, लेकिन इसका डिसीजन आपने खुद लेना है. एंड उसके बाद लास्ट में प्रमोशन. प्रमोशन जो है वो लास्ट पार्ट, लास्ट में आता है. पहले प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस बनते हैं, फिर लास्ट में हम उसकी प्रमोशन करते हैं. और हम क्या करते हैं कि उन ऊपर वाली तीनों चीज़ों को देखते हुए अपना ऐड बनाते हैं. ऐड देखा होगा ना, उसमें एक प्रोडक्ट की तस्वीर होती है, साथ लिखा होता है 1999 रुपये का, अवेलेबल इन द थ्रू आउट द पाकिस्तान. तो ये ऊपर वाली चीज़ें डिसाइड होंगी तो आपकी प्रमोशन होगी. ठीक है, सो प्रमोशन इज जस्ट वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल मार्केटिंग मिक्स. ये हमें बहुत क्लियरली अपने जहन में रखना है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रमोशन नहीं होती, मार्केटिंग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन होती है. प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट प्रमोशन सिर्फ अकेला नहीं है. प्रमोशन के साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं. अब आ जाते हैं
अपने फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जब मैंने आपको कहा था कि अडॉप्ट अ कस्टमर सेंटर्ड फोकस, कस्टमर को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट या अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। ये जो चारों पीज आपने पढ़े, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, ये चारों के जब आप डिसीजन लेंगे ना, तो जहन में कस्टमर को रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को रखेंगे। ये इतना ज़रूरी है कि बहुत सारी कंपनीज कस्टमर को फोकस में नहीं रखती हैं और वो डूब जाती हैं। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैकडोनल्ड्स जो था वो दुनिया में एक बहुत फेमस चेन थी, यूरोप में, अमेरिका में एक बड़ी हिट थी वो, ठीक है। और वो क्या बेचती थी? चिकन बर्गर और फ्राइज, उसके फेमस एक डिश, मतलब एक जो टू फेमस आइटम्स थे वो था कि चिकन बर्गर, चिकन पैटी और फ्राइज। अब बहुत साल जब वो यूरोप और अमेरिका में सक्सेसफुल रहे, तो उन्होंने जब कॉन्फिडेंस गेन कर लिया ना कि हम तो इतने फेमस हो गए हैं दुनिया भर में, लेट्स गो टू द इंडिया, साउथ एशिया जाते हैं, अब इंडिया में लॉन्च होते हैं। तो जब वो इंडिया गए तो उनसे गलती हो गई, उन्होंने कस्टमर सेंटर फोकस नहीं किया, उन्होंने कस्टमर से पूछा नहीं, ना कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स के बारे में सोचा, ना रिसर्च की, गए और जाके इंडिया में मैकडोनल्ड्स खोल लिया। मैकडोनल्ड्स इंडिया में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। मुझे बताएं क्यों, क्यों फ्लॉप हो गया था? कोई आइडिया है, कोई बताएगा? वहाँ वेजिटेरियन है, चिकन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैम, कस्टमर नीड एंड वांट्स। बिल्कुल, कस्टमर नीड क्या है वहाँ पे? या उन्होंने पहले सर्वे नहीं किया हुआ कि मतलब सर्वे करना सही किसी जगह खोलने से पहले कोई बिजनेस? मार्केटिंग रिसर्च नहीं की ना, कस्टमर रिसर्च नहीं की, कस्टमर को फोकस में नहीं रखा, अपना प्रोडक्ट जाके बेच दिया, पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हैं और इंडिया में जाके बुरी तरह बैंकरप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इंडियन जो है वो वेजिटेरियन, मोस्टली वो लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो चिकन नहीं खाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल मुसलमान और कम्युनिटीज भी रहते हैं, बट वो नंबर में बहुत कम है। सो उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, वो फ्लॉप हो गया। देन मैकडोनल्ड्स हैव टू गो बैक टू देयर स्ट्रेटजी एंड दे थॉट कि जी हमसे क्या गलती हुई है। उन्होंने फिर रिसर्च की, कस्टमर को सेंटर में रखा, कस्टमर से पूछा आप क्या खाना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए मैकडोनल्ड्स में। देन दे टोल्ड कि हम तो वेजिटेरियन खाते हैं। अब मैकडोनल्ड्स ने फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, कस्टमर के मुताबिक की, और मैक आलू टिक्की लेके आए, ठीक है ना, मैक वेजिटेरियन रोल लेके आए, सारा अपना मेन्यू इंडिया के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया, तब जाके उनका प्रोडक्ट बिका। ये बहुत बड़ी कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी यही गलती करती हैं। जी जी मैम, सेम एज मैम जो कोक है मैम, इन्होंने जब मैम स्टार्ट किया पाकिस्तान में तो टोटल इनकी ना पूरे एक साल में 25 बोतल सेल हुई, लेकिन आप फिर भी देखें मैकडोनल्ड, आप कह रही हैं बैंक करप्ट हो गया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मतलब उन्होंने उसके बाद उधर से छोड़ नहीं दिया कि हम छोड़ कर चले जाएं, उन्होंने फिर भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि हम उधर इस अपने ना मतलब जो भी अपना बिजनेस जो है ऐसे एडवांस करें, मतलब उधर चलाएं, मतलब एक उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तो इसी तरह मैम जैसे ये ना जमींदारे में खाद वगैरह जो यूज होते हैं, ये पुराने टाइम में नहीं थे यूज होते, लोग नहीं थे खरीदते, तो वो जो कंपनी वालों ने लोग रखे हुए होते ना, तो वो जैसे जैसे किसान रात को सोए हुए होते थे, वो जाते थे उनकी फसलों में ना खुद खाद फेंक कर आ जाते थे, तो उसके बाद एट द एंड जब फसल होती थी ना, तो वो एक की बहुत अच्छी फसल होती थी, दूसरी जो है वो अच्छी नहीं थी होती, उन्होंने कहा इसमें क्या फर्क है, फिर उन्होंने उन लोगों को बताया कि हमने इसमें ये खाद डाला था, ये चीज़ें, इस वजह से ये फसल बहुत अच्छी हुई है। तो मैम इस तरह करके उन्होंने मार्केटिंग की, खाद की, और आज मैम खाद वगैरह के बगैर तो, और कोक आप देख लें कितनी सेल है ये बोतल वगैरह की, पहले पूरे फर्स्ट ईयर में 25 सेल हुई, तो अभी मैम आप खुद देखें। बिल्कुल, इस तरह मैम मार्केटिंग, बिल्कुल ये जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है ना, कस्टमर सेंटर फोकस, ये आपको मैकडोनल्ड्स वाली केस स्टडी से या कोक वाली केस स्टडी से बचाती है कि आप पहले ही, ये अब हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले बात कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट हमारे बनाने वाले के टेबल पे पड़ी हुई है और हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने अभी एक महीने बाद या एक साल बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो जब आपने करनी है मार्केटिंग प्लानिंग, उसकी अभी से शुरू कर दें, और पहला मार्केटिंग प्लान का पहला असूल ये है कि कस्टमर सेंटर रहें, ठीक है, जाके पहले रिसर्च करें कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर आप कपड़ा बनाने जा रहे हैं, या आप एक रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं, या आप एक पार्लर खोलने जा रहे हैं, पहले मार्केट में जाएं और कस्टमर की, वो कहते हैं ना उर्दू में कहते हैं, सुन गुन ले लें कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है ना, उसकी क्या नीड्स हैं, वो ऑलरेडी जो चीज़ें बिक रही हैं उनमें उसको क्या मसले मसाइल चल रहे हैं,
उनको दूर करके अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाए ताकि आपके साथ मैकडोनल्ड्स और कोक वाला काम ही ना हो। ठीक है, अभी हम छोटे एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, छोटे एंटरप्रेन्योर्स कोक वाला या मैकडोनल्ड्स वाला झटका नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो तो एकदम बेचारे बैंकक्रप्ट होके घर बैठ जाएंगे। ठीक है ना, तो हमने घर नहीं बैठना। उसके लिए टिप ये है कि आप कस्टमर सेंटर फोकस रखें। अब कस्टमर सेंटर फोकस कैसे रहें, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम क्या करें हम कस्टमर सेंटर फोकस कैसे रखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछें खुद से, व्हाट इज इन इट फॉर मी। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक क्वेश्चन खुद से पूछें, व्हाट इज इन इट फॉर मी। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट लेके, लेट सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, मोबाइल लेके या क्रीम लेके कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो कस्टमर जहन में यही पूछता है कि इसमें मेरे लिए क्या है। प्रोडक्ट तो तुम ले आए हो, दिखने में भी अच्छी लग रही है, मैं क्यों लूं। ठीक है ना, मेरे पास तो एप्पल भी है, सैमसंग की मार्केट में ऑप्शन है, मेरे पास तो ओप्पो भी है, मेरे पास तो रियलमी भी है, मेरे पास तो ज़ियोमी भी है, मैं क्यों आपकी प्रोडक्ट लूं। कस्टमर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इस क्वेश्चन का पहले से जवाब खुद लिख लें। और जवाब क्या होना चाहिए कि आपको पता हो कि वो कौन सा एलिमेंट है जो डिफरेंट है और ये कस्टमर को फायदा देगा। ठीक है, तो जब भी आप बिजनेस करने जाएं, बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं आप, उसमें सोचने के दौरान ही क्वेश्चन पूछें कि जब कस्टमर मुझसे पूछेगा व्हाट इज इन इट फॉर मी, तो मेरे पास क्या जवाब होगा इसमें। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी में या आपकी यूनिवर्सिटी में मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में हर साल स्टॉल्स लगते हैं, एक मेला होता है, आर्टिजन मेला होता है, जिसमें स्टूडेंट्स और जो रावलपिंडी की छोटे बिजनेस वुमेन हैं वो आती हैं और अपने हैंड से बनाई हुई चीज़ें बेचती हैं। अब हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर खाने पीने की चीज़ें लगाती हैं, बिरयानी लगाती हैं, समोसा लगाती हैं, चाट लगाती हैं, दिस एंड दैट। तो जब स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं एज अ कस्टमर, तो वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं, हालांकि वो जाती हैं, वो कहती हैं यार आप ये बिरयानी बेच रहे हो ना, दूसरे स्टॉल पे भी वो बिरयानी बेच रही है, आप वाली बिरयानी मैं क्यों लूँ, है ना। वो कंपैरिजन शुरू कर देती हैं एकदम से, आप वाली तो फिर ना जो बेचने वाला होता है, या देखिए हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है, हमारी बिरयानी में ये है, या हमारी पैकेजिंग अच्छी है, हम आपको पैक करके भी दे देंगे, आपको हमने बैठने की जगह भी दी है। सो इस तरह के आंसर्स दे के फिर आप कस्टमर को कन्विंस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एंटरप्रेन्योर को, हर प्रोडक्ट डेवलपर को खुद से अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले पूछ लेना चाहिए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बहुत डाटा एंड बहुत कन्विंसिंग है, इट मींस कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या करना है कस्टमर सेंटर में, कि टू डेवलप कस्टमर सेंटर स्ट्रेटजीज यू नीड टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फंडामेंटल क्वेश्चन। अब व्हाट इज इन इट फॉर मी का आंसर आ गया, अब एक दो तीन और सवालों के जवाब भी दें। व्हाट कॉस्ट and barriers do target market perceive to purchasing a product utilizing your product and services. Aapki product for example, ab suppose karein launch ho gayi hai market mein, kya cost aur barriers aa rahe hain customer ko aapki product tak pahunchne ke liye, wo cost and barriers remove karne ki koshish karein before launching your product. theek hai, jaise ki ek abhi ek student ne kaha ki ma'am faisalabad mein एक जो है पंजाब के एरिया में जब फर्टिलाइज़र लॉन्च हुआ तो लोगों को जो है वो फार्मर्स को बड़ा इशू था कि जी फर्टिलाइज़र हमने नहीं यूज़ करना। अब देखिए जो फर्टिलाइज़र बनाने वाले थे ना, उनको ये सोचना चाहिए था कि जब अभी फर्टिलाइज़र नहीं लॉन्च हुआ, फार्मर से बात की, उन्होंने कहा कि जी हमने फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना। नाउ दिस इज़ अ बैरियर है, ये मेंटल बैरियर है कि कन्विंस नहीं हो रहे, न्यू टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन नहीं है उन फार्मर्स में। बजाय इसके कि वो छुप छुप के डाल रहे थे, ठीक है वो उनकी एक मोटिवेशन थी, इससे बहुत अच्छा नहीं था कि वो फार्मर्स को एक जिरगे में या एक पंचायत की शक्ल में बिठाते, उन्हें कन्विंस करते, उनकी एक छोटी सी बेसिक ट्रेनिंग कर देते, उनको पिक्चर्स के साथ दिखाते कि ये देखें, ये अगर आपने फर्टिलाइजर डाला होगा तो आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएं कि इतनी अगर अभी प्रोडक्शन है तो इसके साथ 200 जो है वो मन या टन ज़्यादा हो जाएगी। एक सक्सेसफुल फार्मर को ले के आते सिंध या KPK से जिसने वो फर्टिलाइजर यूज़ किया हुआ है और वो कन्विंस कर लेता। नो दीज आर द मेंटल बैरियर्स और ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले को हटानी है। ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप एक
बस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे केपीके में भी, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, केपीके में आज से 15 साल पहले एक वुमेन बस लॉन्च की गई, ठीक है, गवर्नमेंट ने विदाउट कस्टमर्स के बारे में सोचते हुए कहा कि जी खवातीन के लिए बसें लॉन्च करते हैं, ये मैं 15 साल पहले की बात कर रही हूँ। जब वो बसें जिस करोड़ों रुपए की बसें ली गई, ठीक है, पिंक कलर की बसें ली गई और कहा गया कि ये वुमेन एक्सक्लूसिव बसेज होंगी जो कि पेशावर में चलेंगी और खवातीन के लिए चलेंगी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि वो बसें आई, इफ्तिताह हुआ चीफ मिनिस्टर से, फीते शीते कटे, जब वो लॉन्च हुई फ्लॉप हो गई, कोई औरत उस बस पे चढ़ने के लिए राजी ना हुई, वो करोड़ों रुपए की बसें एक दो हफ्ता इसी तरह शहर में खाली चलती रही और फिर वो रुक गई, फिर वो स्टैंड पे खड़ी रही और खड़ी खड़ी खराब हो गई। मुझे बताएं क्यों, क्या रीजन हो सकती है? मार्केटिंग बैरियर, मतलब मैम उधर ट्रेंड नहीं था औरतों का, मतलब इस तरह उनका कल्चर नहीं था ऐसा कि अकेले अकेले जो है मैम सफर करें घर वालों के बगैर। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, वेल डन। केपीके में खवातीन आज से 15 साल पहले, अब तो थोड़ा सा शायद ट्रेंड पेशावर का ठीक हो गया हो, ट्रैवल अकेले करती नहीं थी, वो या अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल करती हैं, या अपने बेटे के साथ ट्रैवल करती हैं, या वो अपने अब्बू के साथ ट्रैवल करती हैं, या अपने भाई के साथ ट्रैवल करती हैं। जब बस स्टॉप पे रुकी और वो औरत आगे बढ़ी अपने भाई को लेके कि चलो बस पे चढ़ते हैं, तो कंडक्टर ने कहा नहीं अपने भाई को छोड़ दें, आप खाली जाली आ जाएं बस में, तो उसने कहा जी मैंने भी, थैंक यू, शुक्रिया, मैंने भी नहीं जाना, ठीक है। और ये इतने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का गवर्नमेंट को नुकसान क्यों हुआ? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग जो है वो रिसर्च नहीं की हुई थी, कस्टमर सेंटर अपना प्रोडक्ट नहीं बनाया हुआ था, और फिर जो आपको मैंने कहा कि क्या बैरियर्स आने वाले हैं कस्टमर्स के लिए वो हटाएं, वो उनके बारे में नहीं सोचा हुआ था। अगर केपीके गवर्नमेंट उस बस में एक सेक्शन, छोटा सेक्शन मर्दों का रख लेती और बड़ा सेक्शन औरतों का रख लेती, रिसर्च कर लेती कि भी औरतें तो यहाँ मर्दों के बगैर ट्रेवल ही नहीं करती, एटलीस्ट एक लड़का बच्चा तो जरूर उनके पास होता है, तो मर्दों का एक छोटा सा आगे सेक्शन बना दो जिसमें मर्द आगे अलग से बैठ जाएं, सिर्फ इतना सा सोल्यूशन होने से वो बसें चल जाती और गवर्नमेंट का अरबों रुपए का नुकसान ना होता। सो ये इतना जरूरी है कि आप पहले से प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले की स्टेज पे बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस खुद से पूछें और अपने प्रोडक्ट को एक्सट्रीमली रेलेवेंट कर दें, फिजिबल कर दें फॉर योर कस्टमर्स। सेकंड प्रिंसिपल है कि जी आपने मार्केट को सेगमेंट करना है फिर टारगेट करना है। अब मार्केट जो होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप सब स्टूडेंट्स के लिए फैसलाबाद इज अ मार्केट, ठीक है, आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी बिजनेस करेंगे आपकी मार्केट है फैसलाबाद। और क्यों? क्योंकि फैसलाबाद के जो 34 लाख लोग हैं उसमें वो सब लोग हैं, उन लोगों के लिए, या जाहिर सी बात है उस मार्केट में आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो सब लोग देखेंगे। अब होता क्या है कि हम पूरे के पूरे फैसलाबाद के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते, या ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। स्मार्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मार्केट को सेगमेंट करें, ठीक है। अब देखिए अगर फैसलाबाद की आबादी 34 लाख है तो 34 लाख में कम से कम मेरे अंदाजे से 16-17 लाख खवातीन होंगी और 16-17 लाख आदमी होंगे, ठीक है। फिर 16 लाख के अंदर कुछ 2.5-3 लाख लोग जो होंगे खवातीन जो होंगी वो वर्किंग वुमेन होंगी, बाकी खवातीन जो होंगी वो हाउसवाइफ होंगी। वर्किंग वुमेन के उस 2.5-3 लाख में से भी 1 लाख जो होंगी वो 50,000 से ज्यादा कमा रही होंगी और बाकी जो होंगी वो 50,000 से कम कमा रही होंगी। अब आप लेट सपोज एक लॉन लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है ना, एक लॉन का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आप बजाय पूरे की पूरी 16 लाख आवाम के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने से बेहतर नहीं है कि आप देखें अपनी प्राइस को और अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को, अपनी प्लेस को देखते हुए कि मैंने किस सेगमेंट को चीज बेचनी है, और फिर उस सेगमेंट की पसंद नापसंद के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को ढाल लें, तो उससे आपकी सेल्स मैक्सिमाइज हो जाती है। आर यू गेटिंग मी? और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी प्रमोशन करते हैं उस सेगमेंट के माइंडसेट के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अब जैसे कि कोक है,
ठीक है ना. कोक यूजली अपनी मार्केट सेगमेंटेशन में स्पेशली जो पेप्सी है वो यंगस्टर्स को टारगेट करता है. तो आपने देखा होगा कि उसके इश्तिहार में सब यंग जनरेशन होती है, यंग एक्टर्स होते हैं, जो उस वक्त के लेटेस्ट और सबसे हिट एक्टर होता है वो नेस्ले के इश्तिहार में होता है, सॉरी नेस्ले कह रही हूँ, पेप्सी के इश्तिहार में होता है. इसके अलावा अगर मैं आपको नीडो बताऊँ, अब नीडो की जो टारगेट मार्केट है ना वो है मदर्स, वो यंग मदर्स जिनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, और जो दूध पीते हैं और जिनके लिए वो कंसर्न है. अब आप देखिए जब वो इश्तिहार बनता है ना तो उसमें हमेशा एक माँ होती है और उसका बच्चा होता है, ठीक है. वो यंग लड़कियों को जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जो अनमैरिड हैं, उनको वो टारगेट ही नहीं करते हैं. तो आपको अपनी मार्केट को, अपनी अगर आपकी पूरी पाकिस्तान मार्केट है तो आपने उस पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को सेगमेंट्स में छोटे छोटे डिब्बों में डिवाइड करना है, और फिर जो डिब्बा आपकी प्रोडक्ट से एक्सट्रीमली रेलेवेंट लग रहा है सिर्फ उसको टारगेट करना है, सिर्फ उसकी पसंद नापसंद को आपने देखना है. और ये हर कंपनी करती है, हर मार्केट करती है, और इससे उनकी प्रोडक्ट जो है वो अपने कस्टमर्स में बड़ी हिट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मुझे कोई लड़कियां सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं, कि मेकअप का जो ब्रांड होता है वो जस्ट वुमेन को टारगेट करता है, सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहा होता है, और फिर उनकी प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर वो जो है वो लिप ग्लॉस है तो वो यंग लड़कियों को टारगेट कर रहा है, अगर वो मैट लिपस्टिक है तो वो मैच्योर खवातीन को क्लिक कर रहा है. और अगर आप उनके एड्स देखें ना तो लिप ग्लॉस में एक यंग लड़की होगी और एक मैट लिपस्टिक में एक मैच्योर लेडी दिखाई होती है. तो ये आपकी बड़ी इम्पॉर्टेंट, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कहा जाता है प्रिंसिपल को, कि अपनी मार्केट को डिब्बों में डिवाइड करें. अगर आप पूरे फैसलाबाद के लिए प्रोडक्ट बेचेंगे तो पूरे फैसलाबाद में तो वो ख्वातीन भी हैं जिनकी मंथली इनकम 3,000 से. मैडम आवाज़ नहीं आ रही आपकी. हेलो, एक्सपेंसिव है कि उनका जोड़ा 10,000 से स्टार्ट होता है. दे आर नॉट टारगेटिंग एवरी अदर गर्ल और एवरी अदर वुमेन, दे आर ओनली टारगेटिंग दोज वुमेन जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब कर रही हैं, जिनकी इनकम जो है वो कम से कम 1,00,000 से ज्यादा है, ठीक है. तो वो उनकी चॉइस के पसंद के कलर्स हैं, उनके पसंद के डिजाइन हैं, और उतने ही सोफिस्टिकेटेड इश्तिहार हैं और उतने ही स्टाइलिश. वो उनका शूट जाके टर्की में हो रहा होता है, जबकि वही ब्रांड, एक और ब्रांड है खाडी. खाडी जो है वो अपनी टारगेट मार्केट जो है वो मैसेज मानता है, वो लोग जिन जो 40,000 से 50,000 की इनकम में हैं और वो 2,000-3,000 से लेके जो है 5,000 के बीच में ज़्यादातर जोड़े बनाते हैं. तो देखें उनकी जो मॉडल्स होती हैं वो कितनी बेसिक होती हैं, या उनका जो बैकग्राउंड होता है उनकी मॉडलिंग शूट का वो कितना बेसिक, उनके प्रिंट्स कितने कल्चरल होते हैं, वो लोग जो हम जैसे, मेरे जैसे सारी मिडिल लोअर मिडिल क्लास आराम से ले सकती है. सो सेगमेंट करना इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अगर कपड़ा बना रहे हैं ये कपड़ा किसको जाएगा, किस पूरे जो टेक्सटाइल सॉरी इंडस्ट्री है, या जब कपड़ा पहनने वाली या लॉन पहनने वाली जितनी भी फैसलाबाद की आवाम है, इसमें से किसको टारगेट करोगे? आर यू गेटिंग मी? यस मैम. That's a very interesting thing. आपकी जो अगर आप अपनी मार्केट को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, वो ग्रुप्स जिनके मिलते जुलते सिमिलैरिटीज़ हैं, सो बस आगे सिंपल है कि अब उनके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट बनाना है. अब हमने आना है अपने थर्ड प्रिंसिपल पे, जो है कॉम्पिटिशन का, कि आइडेंटिफाई. अब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसको कस्टमर फोकस भी कर दिया, कस्टमर की रिसर्च के बाद बनाया, फिर आपने अपनी टारगेट मार्केट भी सिलेक्ट कर ली, कि ये जो है 20 से 40 साल की उम्र के ये औरतें या ये मर्द मेरा प्रोडक्ट लेंगी, ये भी डिसाइड हो गया. अब जो तीसरा मसला आएगा वो होगा कंपटीशन का, कि भाई आपके इस वक्त ऑलरेडी कौन आप जैसी प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में, कंपेटिटर कौन होता है? कंपेटिटर अगर हम कहें देखें तो वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो बिल्कुल आप जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कंपेटिटर्स, जैसे कि पेप्सी एंड कोक, बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन है. टेलीनॉर, जोंग एंड जैज, ये तीनों डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं. जामी शीरी एंड रू अफजा एक दूसरे के डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं. और मुझे कोई नाम बताएं जल्दी से जो डायरेक्ट कंपेटिटर्स आपको लग रहे हैं.
मैम ओमोर और वाल्स मैम दोनों जो है ना आइसक्रीम की यस एब्सोल्युटली दे आर डायरेक्ट कंपटीटर्स एक ही जैसी रेंज है एक ही जैसा टेस्ट है उनके पास भी कोन है इनके पास कॉर्नेटो है और बताएं कोका कोला और पेप्सी मैम करोला सुजुकी और मैम होंडा यस एब्सोल्युटली और मैम एक ही सिटी में जो से सारे बैंक्स होते हैं वो भी आपस में कंपटीशन में होते हैं एब्सोल्युटली एचबीएल अस्क्री स्टैंडर्ड चार्टर्ड ये सब डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं और मैम स्कूल भी कर सकते हैं वो भी आपस में है मतलब जी बीकन हाउस सिटी स्कूल रूट्स जो हैं तो दोनों तीनों अपने डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं मैम गारमेंट्स यूनिवर्सिटीज भी हैं बिल्कुल जी इस डायरेक्ट कंपटीटर्स होती हैं और मैम मोबाइल फोन्स की मैम लैपटॉप्स ओके जी लैपटॉप्स मैम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के साथ मैम जैसे मोबाइल फोन्स की होगी हाँ बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विसेज की भी होती हैं जैसे होटल्स सर्विसेज में आते हैं वो भी एक दूसरे के डायरेक्ट कंपटीटर्स होते हैं फूड चेन्स केएफसी मैकडॉनल्ड्स एक दूसरे के डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं जैसे कि आपके ही क्लास फेलो ने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे के कंपटीटर्स होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है ये डायरेक्ट कंपटीटर्स हैं इनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है और फिर क्या करना होता है कि इनसे मैचिंग स्ट्रेटजीज या इनसे बेहतर स्ट्रेटजी देखिए अगर कोक और पेप्सी की इस वक्त एक ही प्राइस चल रही है आप मुझे लिख के बता दें कि अब आज अगर कोक ₹2 महंगी हो जाती है पेप्सी से कोई नहीं पिएगा पेप्सी सॉरी कोक जो महंगी होगा ना एकदम से लोग छोड़ देंगे और लोग शिफ्ट कर जाएंगे पेप्सी की तरफ इसी तरह मैं क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि मैं कपड़े जी जी गोरमे मैम जो है मैम गोरमे आप देखिए उनसे रेट भी कम है लेकिन सेल अभी भी कोक की ज्यादा है दोनों से पेप्सी गोरमे से मैम ये तो टेस्ट पे डिपेंड करता है ना देखिए ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है टेस्ट पे क्वालिटी पे टेस्ट तो है ना वो मीठा है और पानी शायद मीठा है इस वजह से लोग कोक ज्यादा पसंद करते हैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए उनका कंपटीटर गोरमे का बदकिस्मती ये है कि उनका कंपटीटर इतना तगड़ा है इतना पुराना है इंटरनेशनल है इतना रिच है कि उनका फॉर्मूला और उनका जो वो कहते हैं ना जो पेप्सी जो टेस्ट है उनका वो इतना स्ट्रांग और इतना लोग उससे यूज टू हो चुके हैं कि गोरमे बेचारा अभी स्ट्रगल कर रहा है मैं गोरमे को दाद दूंगी कि उसने बड़ा मतलब हिम्मत वाला काम किया कि ऑलरेडी मार्केट में एक जॉइंट बैठा हुआ था और उसके साथ कंपीट कर रहा है बट स्टिल वो कर रहा है कुछ ना कुछ कर रहा है और उसने अपनी एक जगह और अपने एक स्पेसिफिक उसकी टारगेट मार्केट है जहाँ पे गोरमे बिक रही है सो यही तो मैंने आपको यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देख लो कि मार्केट में कंपेटिटर्स कौन हैं और वो क्या कर रहे हैं और वो किस लेवल पे हैं और वो कितने अरसे से चीज़ बेच रहे हैं फिर उससे बेस्ट जाना है या उसके जैसा जाना है या उसके अलावा एक छोटी सी मार्केट ले लेनी है बस उसी को चीज बेचनी है जैसे गोरमे है गोरमे ने पूरे पाकिस्तान को नहीं टारगेट किया गोरमे ज्यादा आपको पंजाब में और लाहौर में और आपके सिटीज में नजर आता है केपीके में गोरमे नहीं है मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा सिंध में भी गोरमे आपको नजर नहीं आएगा तो गोरमे क्या कर रहा है कि उसके जो पंजाब में छोटी सी ऑडियंस है ना बस उसी को पिला रहा है और वो जो है वो कम्पीट नेशनल लेवल पे पेप्सी से नहीं कर रहा ठीक है ना क्योंकि गोरमे एज कम्पेयर टू पेप्सी बहुत छोटी सी कंपनी है सो यही इंपॉर्टेंट डिसीजन एज अ बिजनेसमैन आपने क्या करना होता है कि अपने कंपेटिटर्स को देखें नोट डाउन करें एक चार्ट बनाएं और देखें कि किसके पास कितना मार्केट शेयर है और अब आपने क्या करना है क्या आपने उसके साथ डायरेक्टली कम्पीट करना है या उससे बेहतर प्रोडक्ट लेके आनी है या एक छोटा सा एक नीश लेना है एक छोटा सा मार्केट सेगमेंट लेना है जस्ट उसी को बेच के अपना खर्चा पानी पूरा करके और अल्लाह का शुक्र अदा कर लेना अब नाउ दीज वो एक डिफरेंट कंपटीशन स्ट्रेटजीज हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकती बिकॉज ये बहुत एक पूरा चैप्टर है मार्केटिंग का बट एक ओवरऑल मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दो तीन काम होते हैं कि या हम डायरेक्टली कंपीट करते हैं फाइट करते हैं उनके साथ या हम उनको अवॉइड करते हैं और या हम क्या करते हैं कि हम एक तीसरी छोटी सी मार्केट खोल लेते हैं और जस्ट उसी को बेचते हैं और उनके अपने कंपेटिटर का गम या फिक्र नहीं करते सो ये एक है अब एक होता है इनडायरेक्ट कंपेटिटर वो होता है वो कंपनी होती है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आप जैसा प्रोडक्ट नहीं बेच रही है हू बहू लेकिन उनके जो कस्टमर्स हैं उनको आप अपना कस्टमर बना सकते हैं पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं फॉर एग्जांपल कोक एंड जामीशीरी ठीक है ना अब जामीशीरी एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है और कोक एक डिफरेंट प्रोडक्ट है लेकिन कोक
जामी शीरी के कस्टमर्स को अपना बना सकता है कन्वेंस करके, ठीक है ना, उनको बार बार कन्वेंस करके, कभी प्राइस कम करके या कभी उनको इश्तिहार में ऐसे टॉन्ट्स मार के कि जी ये तो इतनी देसी ड्रिंक है, या जो भी स्ट्रेटजीज उन्होंने जितना मीन हो सकते हैं या जितना अच्छे हो सकते हैं दोनों, अब मार्केटिंग में ये कोई लिमिट नहीं होती है, कुछ भी करके आप जामेश्री को अपने के कस्टमर्स को अपना कस्टमर बना सकते हैं। सिमिलरली ये जो एक होती है ना, एक तो होती है बाजार में लॉन बिकती है, एक जो होती है वो लॉन जो अनब्रांडेड होती है और वो जो रैंडम कपड़े की दुकानों में मिलती है। अब खाड़ी का डायरेक्ट कंपेटिटर सफायर या निशात लीलन है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट कंपेटिटर वो लोग हैं, वो कंपनीज हैं, वो लोकल फैक्ट्रीज हैं जो वो कपड़ा थानों में बनाती हैं, और वो सिंपल वो जो बाजार में कपड़े की दुकानें होती हैं जिसमें खुला थानों के हिसाब से कपड़ा मिलता है, वो लोग जो कपड़ा ले रहे हैं, खाड़ी उनको भी टारगेट बना सकती है। खाड़ी ऐसा कर सकती है कि अपनी सबसे सस्ती जो एक थीम है या अपनी रेंज है वो लॉन्च कर दे, जिसमें वो 1000 या 1200 वाला एक टू पीस सूट लॉन्च कर लें और उन लोगों को भी कैप्चर कर लें जो ब्रांड से डरते थे और वो रैंडम कपड़े की दुकानों से खुला कपड़ा लेते थे, ठीक है। सो दीज आर द इनडायरेक्ट कंपेटिटर। इनडायरेक्ट कंपेटिटर कौन होता है, जिसका प्रोडक्ट आपके जैसा हूबहू नहीं होता लेकिन जिसके कस्टमर आपके कस्टमर बन सकते हैं। समझ आई ये कॉन्सेप्ट? जी मैम। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है ना। अब देखिए जैसे एरोप्लेन्स है, PIA है, PIA का डायरेक्ट कंपेटिटर जो है वो इत्तेहाद होगा या सिरीन होगा या एयर सियाल होगा, लेकिन जो लोग रेलवे से जाते हैं, जो ट्रेनों से जाते हैं विद इन पाकिस्तान, वो रेलवे जो है वो PIA का इनडायरेक्ट कंपेटिटर है। आज रेलवे अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी कर ले तो जो लोग पिंडी से कराची PIA पे जाते थे वो PIA से जाना छोड़ दें, तो इसलिए PIA को मतलब अपने इनडायरेक्ट कंपेटिटर का खतरा भी नोट जहन में रहता है कि ये मेरा एक इनडायरेक्ट कंपेटिटर इधर बैठा हुआ है जिसके कस्टमर मेरे कस्टमर बन सकते हैं और जो मेरे कस्टमर छीन भी सकता है। तो आपको अपने बिल्कुल डेवो भी PIA का इनडायरेक्ट कंपेटिटर है फॉर नेशनल एयरलाइंस, इंटरनेशनली वो उसका इनडायरेक्ट। जी मैम, जैसे आप ट्रेन का कह रही हैं मैम, अब ट्रेन देखा जाए तो वो मैम बसेस की भी कंपेटिटर है मैम। तो अभी मेरा दोस्त है मैम, वो इधर टोबा टेक सिंह से फैसलाबाद आता है, तो मैम उसे ट्रेन पे 1 घंटा लगता है और मैम उसकी ट्रेन की टिकट भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू बस पे वो आए तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो इसी तरह मैम हमारी गवर्नमेंट भी है तो ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना रही है, मेट्रो बना रही है, वो एक ही जगह पे ना इतने काम कर रहे हैं जिनकी उधर इतनी जरूरत ही नहीं है। तो मैम अगर इन चीज़ों को ट्रेन को बेहतर करेंगे, जो बेसिक्स हमारी ज़रूरत है हर बंदे की, मतलब जो लोकल लोग हैं, तो मैम इससे काफ़ी मैम मतलब वो जैसे आप कह रहे हैं कम्पीट, मतलब एयरप्लेन भी और बसेस भी उनसे बहुत अच्छी तरह से मैम ये कम्पीट कर सकते हैं ट्रेन जो है। बिल्कुल आपने बेटे इतना अच्छा पॉइंट रेज किया है। मैं एक्चुअली एक मार्केटिंग पढ़ाती हूँ सब्जेक्ट और एक मैं पढ़ाती हूँ पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग, क्योंकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग में हम यही पढ़ते हैं कि ये जो मार्केटिंग है, ये जो 4 P's का मिक्स है, ये पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा अडॉप्ट करना चाहिए एज कम्पेयर टू बिजनेस सेक्टर। और हमारा माइंड क्या होता है, हम कहते हैं कि यार मार्केटिंग तो सिर्फ बिजनेस सेक्टर को करनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर को मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है। नहीं, अगर आप रियल सेंस में 4 P's वाली मार्केटिंग कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा करनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर को अपनी हर सर्विस की 4 P's बनाने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट क्या है, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन है, उनकी टारगेट मार्केट क्या है, ताकि मैक्सिमम वेलफेयर लोगों को मिले। सो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो हमारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा अडॉप्ट करनी चाहिए एज कम्पेयर टू हमारे बिजनेस सेक्टर के। सो ये एक अलग दुनिया है, ये मतलब पूरा 3 credit hour कोर्स है जो मैं पढ़ाती हूँ, और आई होप कि इंशाल्लाह अगर कहीं फ्यूचर में अगर आप लोगों को कोई इंटरेस्ट है तो मैं एक और सेमिनार पब्लिक सेक्टर मार्केटिंग पे भी कर सकती हूँ। बट दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यू हैव रेज्ड, शाबाश। अब जो है हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पे, जो है कि आपने अपनी ब्रांड्स की आइडेंटिटी बनानी है या अपना ब्रांड कैसे बनाया जाता है। ये ब्रांडिंग भी एक पूरी दुनिया है, एक जादुई दुनिया है जिसमें हम और आपने आपको नज़र भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े दुनिया के बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं। इस पे भी मैं 4 घंटे बोल सकती हूँ, बट यू हैव टू कंपाइल इट इन जस्ट 5 to 10 minutes।
ब्रांड बेसिकली बेटा क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का एम इधर आपको नजर आ रहा होगा, सिर्फ एम लिखा हुआ है येलो कलर का, एंड यू नो कि ये मैकडॉनल्ड है, ऐसा है कि नहीं। नाइकी का सिर्फ टिक लगा हुआ है, सिर्फ टिक से आपको पता चल जाता है कि अगर एक शर्ट पे नाइकी का ही टिक लगा हुआ है, दिस इज नाइकी शर्ट, ठीक है। आपको जो है गूगल का या एल जी का, अब ये सिर्फ एल और जी लिखा हुआ है, लेकिन आपके जहन में उस ब्रांड ने, इस ब्रांड लोगो से पोजिशन। जी 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 मैम, अब मैकडॉनल्ड का एम जिस तरह उन्होंने लिखा होता है ना, मतलब बाय एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर, दूर से ही देखे ना तो अभी इधर मिसाकुल माल में है तो साइड पे उन्होंने ना बाहर काफी बड़ा एम जो है ना हाइट पे लगा के, तो जब मैं वो बंदा एम को देखता है ना, तो अगर मैम बंदा थोड़ा सा ना उसकी जेब में पैसे हो तो उसको ऑटोमेटिकली दिल करने लग जाता है मैम, जैसे मतलब ना वो उस चीज को देख के अट्रैक्शन जो होती है ना, आपको पता है, तो उसके ड्यू टू देयर मैम उनकी जो है मतलब वैल्यू है, मतलब जो उनकी मैम सिचुएशन है, मतलब अच्छा एक वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं, तो मैम मतलब उस एम को देखकर ही जो है ना काफी लोगों का दिल कर पड़ता है। अब मैम ये तो डिपेंड करता है जिसके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा वो ले भी लेगा। तो बिल्कुल मैंने कहा ना कि ब्रांड जो होता है या ब्रांड लोगो जो होता है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्रमोशन होता है, इसीलिए आजकल ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि कपड़ों में भी ब्रांड हो और खाने में भी ब्रांड हो। आप कह रहे हैं आप तो माशाल्लाह मैच्योर पढ़े लिखे बच्चे हैं, मेरी 3 साल की जो है वो भतीजी है, और वो अगर एम ये देख ले कहीं रोड पे तो देन वो उस गाड़ी में शोर मचा देती कि इधर इर्द गिर्द मैकडॉनल्ड्स है, मुड़ना है मैकडॉनल्ड्स की तरफ मुड़ना है। तो अब 2.5-3 साल का बच्चा भी इस एम को पहचानता है या इस KFC के जो है ये लोगों को पहचानता है, तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ प्रमोशन होती है ब्रांड। इसीलिए आजकल हर कंपनी छोटे से छोटा बिजनेस अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करता है। ब्रांड बनाने के बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको अपना ब्रांड पर्पस बनाना है। ब्रांड पर्पस होता है कि जैसे अपना विजन बनाना है कि आपका एक्चुअली पर्पस है क्या ब्रांड के पीछे। ब्रांड जब आप क्रिएट करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे खाडी है, तो खाडी ने अपना पर्पस, अगर मैं जो उनका लोगो देख के बता सकती हूँ कि वो अपने आप को बड़ा ईस्टर्न, बड़ा पाकिस्तानी ब्रांड कहते हैं, तो उनके जो आपका खाडी का वर्ड है या उसके साथ जो 3 लाइंस हैं, या उनके आउटलेट पे जाएं जो लकड़ी का कार्विंग है, या उनके जो मॉडल्स का जो स्टाइल है वो बड़ा पाकिस्तानी है, जिसमें बड़ा ईस्टर्न अजरक की तरह के प्रिंट है, पंजाब में जो मोस्टली वेयर करने वाले प्रिंट्स होते हैं, KPK के जैसे ब्राइट कलर्स हैं, वो अगर मैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी बाहर मुल्क में मेरी दोस्त रहती है और उसको मैंने कल्चरल लॉन का ड्रेस गिफ्ट करना है, तो मेरे जहन में सबसे पहले खाडी आएगा कि जी ऐसा प्रिंट जो होता है, पाकिस्तानी प्रिंट जो होता है वो यूजली खाडी में होता है। सेफायर की जो ब्रांडिंग है, देखिए उसका जो नाम है सेफायर वो भी अंग्रेजी वर्ड है, उनकी थोड़ी वेस्टर्न ब्रांडिंग है अपनी, ठीक है। इसी तरह सना सफीनास का मैंने बताया कि उनकी थोड़ी हाई एंड प्रोडक्ट है, थोड़ी वो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव भी है, थोड़ा क्वालिटी भी उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, सो वो 10,000 से प्लस है। उनकी मॉडलिंग, उनके मॉडलिंग का स्टाइल, उनके कलर्स, उनके वो ड्रैगन वाले प्रिंट्स, बट दे आर थोड़े एलीट क्लास प्रिंट्स। सो हर बंदे की अपना एक पर्पस होता है और वो उस पर्पस के अकॉर्डिंगली अपने ब्रांड को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले अपने ब्रांड का पर्पस खुद सोच लें। आपका अगर आप ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, आप उसकी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, तो पहले सोचें कि आपका पर्पस क्या है अपने ब्रांड के पीछे। देन आइडेंटिफाइड अ टारगेट ऑडियंस फॉर द ब्रांड, जो जैसा कि हम प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई करते हैं उसी तरह ब्रांड के लिए भी करते हैं कि भी हमारा ब्रांड किन लोगों के लिए जा रहा है। अगर जिन लोगों के लिए जा रहा है फिर अपनी ब्रांडिंग का स्टाइल वैसा ही करें। जैसे मैंने अभी बताया कि सफायर ने शायद जो है अपर मिडिल क्लास को टारगेट किया हुआ था, और वो लोग के जो वेस्टर्न या जो है वो साइंटिफिक एजुकेशन या डिग्रीज जिन्होंने ली हुई है, साइंस पढ़ी हुई है, सो अब देखें कि उन्होंने इंग्लिश का नाम, इंग्लिश वर्ड रखा, कलर पेस्टल रखे हुए हैं, अपने आउटलेट में भी उन्होंने अपनी ब्रांडिंग का टच दिया होता है, और उनके जो जोड़ों के नाम हैं वो भी थोड़े इंग्लिश में होते हैं, जो छोटे छोटे हर जोड़े का जो इंडिविजुअल नेम होता है। सो ये आपने अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए करना है। आर्टिकुलेट योर डिजायर ब्रांड आइडेंटिटी, अपनी पहचान। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान। अपनी ब्रांड की पहचान कैसे आपने लोगों तक पहुंचानी है। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रेस्टोरेंट है और वो देसी खाना बेचता है, तो उसने चारपाइयाँ और गाँव तकिए और कलर जो है बड़े देसी रखे होते हैं, तो वो अपनी एक आइडेंटिटी बता रहा है कि हम बड़े कल्चर फ्रेंडली हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे बुंदू खान है, उसने अपना नाम बुंदू खान इसलिए रखा हुआ है कि वो पाकिस्तानी खाने बेचता है, और इसके मुकाबले में अगर हम PC और मैरियट देखें तो PC और मैरियट की बड़ी वेस्टर्न आइडेंटिटी है अपनी।
तो अपनी आइडेंटिटी बनाएं, पहले ये सोच लें कि आप कौन सी आइडेंटिटी अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हैं, फिर क्राफ्ट द ब्रांड प्रॉमिस। ब्रांड प्रॉमिस होता है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिस होता है अपने कस्टमर्स के साथ, कि आप क्या वादा कर रहे हैं, कि आप एक लंबे अरसे तक अपने कस्टमर्स को क्या एंटरटेनमेंट, खुशी, पाकिस्तानी जायका, इंटरनेशनल जायका भी आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। क्या प्रॉमिस, वो वादा आपने कंप्लीट लिखना है और फिर उसको अपने ब्रांड, ये पूरे ब्रांड के जो है आइडेंटिटी के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू उनको कम्युनिकेट भी करना है कि दिस इज आवर प्रॉमिस। फॉर एग्जांपल जैसे टोयोटा कोरोला है तो उनका ब्रांड प्रॉमिस है ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना। तो टोयोटा की गाड़ियाँ जो हैं वो अपनी फिर अब गाड़ियाँ ऐसे बनाते हैं कि ड्यूरेबल हों, उनके इश्तिहार में जब वो ब्रांडिंग करते हैं तो वो ड्यूरेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर मैं बात करूँ किस ब्रांड की, जैसे कि कोक है, तो कोक एनर्जी को, खुशी को जो है अपना प्रॉमिस मानता है कि आप कोक पियेंगे तो आपको खुशी होगी, आपका टेस्ट आपका जो है बेहतर होगा। तो आपको देखें उनके जो टाइटल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, कोक खुले खुशियाँ, और उनके जो जब एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है तो सब खुश होते हैं, या कोई शादी का इवेंट होता है या कोई मैच होता है, एंड एवरीबडी इज़ लाफिंग, एवरीबडी इज़ डांसिंग। सो ये अब क्योंकि उनका प्रॉमिस है ना, तो उस प्रॉमिस की बेस पे आगे वाले सारे काम करना ईजी हो जाते हैं। डिटर्मिन ब्रांड पोजिशन रिलेटिव टू द कम्पिटिशन। आप अब ब्रांड बनाने जा रहे हैं, आप देखें कि आपके इर्द गिर्द जो कम्पिटिटर्स हैं उनका ब्रांड का लेवल क्या है, आप अपने आप को कहाँ रखते हैं एज कम्पेयर टू बाकियों के, ठीक है। अगर आपने कम्पीट करना है, डायरेक्टली कम्पीट करना है, तो इट मीन्स कि आपने अपनी ब्रांडिंग, अपने ब्रांडिंग एलिमेंट्स जो भी हम पढ़ेंगे वो अपने कम्पिटिटर्स के मुताबिक बनाने हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पे, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलेक्ट द ब्रांड एलिमेंट्स। अपने ब्रांड एलिमेंट्स को डिफाइन करें। ब्रांड एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेम, लोगो, कलर विल बी एसोसिएटेड विद द ब्रांड, आपके करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, म्यूजिक, साइनेज, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रांड एलिमेंट्स के ऊपर आती हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कुछ ब्रांड एलिमेंट्स, कोका कोला का कोक है, और जैसे मैंने उनको कहा उनका लोगो जो है वो है खुले खुशियाँ, मैकडोनल्ड्स का है, मैकडोनल्ड्स का म्यूजिक है ना, तारारम पम पम आई एम लविंग इट। अब ये एक उनकी ये ब्रांड जो म्यूजिक है, ये जो उनको आपके जहन में डाल दिया है, ठीक है ना, कि ये म्यूजिक बजेगा तो आपको मैकडोनल्ड्स ही याद आएगा। सो दिस इज द ब्रांड एलिमेंट। कोक की बॉटल जो है, कोक की बॉटल की जो शेप है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर ब्रांड एलिमेंट। उसके बाद जो है फिजिकल इंटरफेस, जो मतलब जो आईफोन की फिजिकल क्वालिटीज हैं, कि जी फ्लैट स्क्रीन है, स्मूथ है, मेटल बॉडी है, आईफोन की हमेशा मेटल बॉडी होती है हमेशा से, उनके कैमरे की क्वालिटी, ये उनके ब्रांड एलिमेंट्स का पार्ट है। इसी तरह रेड बुल का कैन है तो उसके इवन ये ब्लू एंड ग्रे कलर एंड इंक्लूडिंग इट टेस्ट, दैट इज पार्ट ऑफ द ब्रांड एलिमेंट। बैग्स के लुई विटॉन और ये जो गुची के बैग्स के प्रिंट्स होते हैं, ये एक फेमस है। अब इन्होंने की एक बाम रखी हुई है, फेमस टाइगर बाम, इसकी जो स्मेल है दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर ब्रांड एलिमेंट। इंटेल जो कंप्यूटर ऑन होता है, जो इंटेल का एक छोटी सा एक म्यूजिक है, एक छोटा सा 3-4 टोन्स का, ये इंटेल का ब्रांड एलिमेंट है। तो आप अपने ब्रांड एलिमेंट्स, अगर आपने ब्रांडिंग करनी है तो अपने ब्रांड एलिमेंट्स आपने डिफाइन करने हैं। और याद रखें कि जब आप ब्रांड एलिमेंट्स बनाएं तो दे शुड बी मेमोरेबल, छोटा, सिंपल और यादगार, ऐसा हो जो जहन में याद रहे, मीनिंगफुल, उसके पीछे एक मतलब हो, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारे इंटरनेट पे ज़रा कभी लोगों को सर्च करें, हर लोगों के पीछे एक कहानी होती है कि वो लोगों क्यों बना था, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के पीछे स्टोरी है, जैसे टोयोटा कोरोला का जो वो सर्कल वाला लोगो है, उसके पीछे मैंने देखा था कि एक ये एक वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड के को इन्होंने टारगेट किया था शुरू में, तो दैट्स वाई दे शुरू में उन्होंने ग्लोब रखा। इसी तरह नेस्ले में आप देखते हैं कि बर्ड बना होता है और उसका नेस्ट बना होता है, क्योंकि नेस्ले न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचती है, तो वो जो परिंदा है और उसका जो नेस्ट है उसमें एक बेबी बैठा हुआ है और वो परिंदा उस बेबी को खाना खिला रहा है। सो वो उन्होंने न्यूट्रिशन से वो कॉन्सेप्ट लिया है कि जैसे एक परिंदा और बेबी और उसका बच्चा और वो कंप्लीट एक नेस्ट में उसको खुराक दे रहा है, इसी तरह हमारी जो न्यूट्रिशनल लाइन है जिसमें बच्चों का खाना आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टी वाइटनर्स आते हैं, दूध आता है, जूस आता है नेस्ले के प्रोडक्ट्स में, तो वो उसका उनका जो वो लोगो है वो न्यूट्रिशन को डिफाइन करता है। देन इट शुड बी लाइकेबल,
ऐसा लोगो बनाएं जो लोगों को पसंद आए, लाइक करें, जैसे नाइकी का टिक है, ठीक है ना, नाउ इट्स वेरी लाइकेबल अमंग जो है वो यंगस्टर्स, और जो पेप्सी का या कोका कोला का लोगो है दैट्स वेरी लाइकेबल, एप्पल का जो एप्पल है वो हाफ ईटन एप्पल है वो भी है. उस दिन मैंने एक नेट पे मैं वीडियो देख रही थी कि जो एप्पल का जब लोगो एक वो जो इंसान बना रहा था उसने उसमें बाइट क्यों रखी, उसने बाइट इसलिए रखी कि जब वो एप्पल फुल था ना तो हो सकता था कि लोग कन्फ्यूज कर देते इसको टमाटर के साथ, ठीक है, या इसको कन्फ्यूज कर देते किसी और गोल फ्रूट के साथ, तो उसने बाइट इसलिए रखा वो बाइट वाला जो पोर्शन है ताकि लोगों को देख के लग पता चले कि हाँ ये एप्पल है, क्योंकि हम एप्पल को ही बाइट करके खाते हैं ना, और किसी फ्रूट को गोल फ्रूट को हम बाइट नहीं करते, जैसे कि हम ऑरेंज को बाइट नहीं करते या हम टमाटर को बाइट नहीं करते. सो वो इसके पीछे एक ये छोटी सी स्टोरी थी. देन इट शुड बी ट्रांसफरेबल, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ट्रांसफरेबल मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, कपड़े की ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, लॉन आप कहते हैं कि मैं मेरा एक ब्रांड होगा कपड़े का, तो उसका लोगो ऐसा बनाएं कि जो ट्रांसफरेबल हो, कि फ्यूचर में 5 साल बाद अगर आप लॉन के साथ उसमें खदर ऐड करते हैं या आप रेडी टू वेयर ऐड कर लेते हैं या आप जो है वो कोई और प्रोडक्ट, किसी और टाइप का प्रोडक्ट अपनी कंपनी में ऐड करते हैं तो वो भी वो लोगो यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल जैसे गोरमे बेकरीज है, ये पहले बेकर्स थी, फिर उन्होंने अपनी ड्रिंक यूज की, तो ड्रिंक में भी वही जी का जो है लोगो ले रखे गए. अब वो एक चैनल चलाते हैं तो उस चैनल में भी वो उसका वो कलर और वो लोगो कहीं ना कहीं वो टच उसको ले गए हैं. सो ऐसा लोगो बनाएं कि फ्यूचर में अगर आप अपनी कंपनी में और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं सो वो उसको उसमें ट्रांसफरेबल हो. देन इट शुड बी अडैप्टेबल, अडैप्टेबल ऐसा कि आप उसमें चेंजिंग्स कर सकें, ठीक है, इतना वो स्टिफ उसको ना बनाएं कि उसमें आप चेंजिंग्स कर सकें उसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, 10 साल बाद 20 साल बाद आपका लोगो अगर आउटडेटेड लगने लगा है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकें. एंड देन प्रोटेक्टेबल, प्रोटेक्टेबल मीन्स होता है कॉपीराइट इशू से रिलेटेड, कि इतना भी सिंपल ना बनाए कि लोग उसको आसानी से जो है कॉपी कर लें, और इतना जो है उसको जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना ब्रांड लोगो बनाते हैं ए, अल्फाबेट ए. अब देखिए अल्फाबेट ए कोई दूसरा बिजनेस भी अपना एक अल्फाबेट ए बना सकता है, तो इतना इंतहाई सिंपल पे ना जाए. इंतहाई सिंपल में क्या होता है, कॉपीराइट्स इशू होते हैं कि आपके लोगों को इजीली जो है लोगों को लोगो एल ओ जी ओ वाला लोगों को लोग कॉपी करके और उसको अपने ब्रांड में, और पाकिस्तान में तो कॉपीराइट इशू बहुत होते हैं ना, कि जैसे नेस्ले का पानी है तो उसको नेक्टर बना के और वही ब्लू बॉटल है और वो बिक रहा है. सो पाकिस्तान में तो आपको नकालों से होशियार रहना पड़ता है. तो अपने लोगों को कोशिश करें कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा देखने में डिफरेंट हो, कि बाकी जो ब्रांड्स हैं वो उसको आसानी से कॉपी ना कर सके. अब ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एप्पल लोगो की हिस्ट्री इसमें मैंने मुझे मिली तो मैंने कहा आई शुड शेयर इट विद योर विद यू कि कैसे ये शुरू में 19 जब ये बना था ओरिजिनली, तो ये सबसे पहले वाला जो ग्रे ब्लैक एंड वाइट था और ये इंस्पायर हुआ था आइजक न्यूटन के एप्पल से, कि आइजक न्यूटन देखिए उस ग्रे पिक्चर में दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर दरख्त पे एप्पल लगा हुआ है. तो बेसिकली इसके पीछे जो इंस्पिरेशन थी वो आइजक न्यूटन वाला वो वाकया था कि जो उसके सर पे सेब गिरा था और उसने ग्रेविटी को जो है वो उसके ऊपर वो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. उसके बाद जो है 1976 में इसको मल्टीपल कलर का किया गया, कुछ अर्सा वो चला, फिर 1998 में इसको सिंपली ब्लैक कर दिया गया, फिर 2000s में ये ब्लैक थोड़ा सा आउटडेटेड लगने लगा तो उसको स्टाइल करके स्टाइलाइज करके उसको थोड़ा सिल्वर से टच दिया गया, और अब जो है 2007 के बाद आपको ये करंट एप्पल का लोगो नज़र आता है. तो ये एप्पल का लोगो जो है अगर हम देखें तो ये 6 की 6 जो है वो ब्रांड एलिमेंट्स के फैक्टर को पूरा उतरता है, कि ये मेमोरेबल भी है, ये मीनिंगफुल भी है, ये लाइकेबल भी है, ये ट्रांसफरेबल भी है. देखिए ना बहुत सारी एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन, मैकबुक, उनका मल्टी जो मीडिया प्लेयर है, उनका जो आईपैड है, उनकी जो और गैजेट्स हैं, उन सब पे भी वो लोगो इजीली यूज़ हो जाता है. अडैप्टेबल भी है एंड देन प्रोटेक्टेबल भी है, कि इसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता. इतना ये इतना यूनिक है कि इसको और कोई कॉपी करेगा, खैर अब तो ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसको कोई कॉपी करेगा तो वो मार ही खाएगा. बट एनीवेज इट्स अ वेरी नाइस लोगो, इट्स अ वेरी परफेक्ट लोगो इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग लोगो थिंग. सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच. एंड नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चन करना है या मेरी प्रेजेंटेशन पे कोई कमेंट करना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम. मैडम सो थैंक यू, आपने बहुत टाइम दिया, शायद रोजा भी है 1 घंटे के लिए, आप कंटिन्यूस टॉक करती रहीं,
तो फ्रॉम NTU आपके लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगा, हम एक आपको शील्ड भेजेंगे NTU की तरफ से। तो थैंक यू सो मच, दैट वाज अ सरप्राइज सर हसन, मुझे नहीं पता था कि मुझे शील्ड मिलेगी। चले अच्छा, और किसी को क्वेश्चंस हैं तो प्लीज काइंडली आस्क, दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। जी कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? स्टूडेंट्स अगर आप कमेंट्स भी देना चाहते हैं ना कि आपको क्या समझ आया या आपको क्या चीज़ नहीं पता थी और इस सेशन के बाद पता चली, तो प्लीज़ बताएं, बिकॉज इससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको आज पहली दफ़ा मैंने बताई हो, दो वेरी बेसिक्स बातें थी बट स्टिल कोई पॉजिटिव कमेंट भी मोस्ट वेलकम है। मैम जी, मैम एक क्वेश्चन है। जी जी के ना, अगर हम मतलब एक ब्रांड बहुत देर से चल रहा है एक जगह पे, तो एक नया ब्रांड आया है, तो उस वो अगर कंपटीशन ना भी करे, वो उसके साथ पार्टनरशिप कर ले, तो वो कैसा रहेगा? जैसे जैज और वारद है, उन्होंने पार्टनरशिप की है, तो ये कंपटीशन से बेटर आइडिया है कि वो एक जो सा वारद है वो तो फिर हो सकता है कि वो नाकाम हो जाए जैज के सामने, तो उन्होंने फिर पार्टनरशिप की है। बिल्कुल सही बात की, एंड दिस इज वन ऑफ द कंपटीशन या कंपेटिटर स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने कंपेटिटर देखते हैं और फिर छोटे कंपेटिटर्स को ऑफर करते हैं कि वो आपके साथ कोलैबोरेशन कर लें। अच्छा, कोलैबोरेशन में ऑब्वियसली जो आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा था ना, वो उसको ये डर होता है कि उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। सो आसानी से हर कंपनी आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए राजी नहीं होती है, ठीक है, ये याद रखना। हर कंपनी को अपनी आइडेंटिटी बहुत अजीज होती है, उसने बड़ा मुश्किल से अपना ब्रांड बनाया होता है। वारिद को जो है वो जो जैज ने उसको एक टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवरकम किया था, हाँ शायद ओवरकम किया था। वो इसलिए किया था कि वारिद का बिजनेस नहीं ठीक था, वो उनके रेवेन्यूज नहीं ठीक थे और वो काफ़ी उनका जो बिजनेस प्रॉफिट्स थे वो बहुत कम थे, दैट्स वाई उसको जो है जैज ने ओवरकम किया था। अदरवाइज देखें, अब टेलीनॉर भी है, मोबिलिंक टेलीनॉर भी है और जोंग भी है, दे आर ह्यूज थिंग्स ना। जोंग के पास तो सबसे पहले 4G आया था, तो उनके वो उनका नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो वो तो कोलैबोरेट नहीं होंगे। तो यूजली जो कंपनीज आपसे छोटी हों, उनका मार्केट शेयर आपसे कम हो और या वो बिजनेस उनका अच्छा ना चल रहा हो, क्योंकि कंपनीज क्या करती है ना, कंपेटिटर्स की टो लेती हैं कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, बाकायदा स्पाई कर रही होती हैं एक दूसरे को। तो जो बेचारी के हालात थोड़े ढीले होते हैं, उनको फिर ऑफर कर लेती हैं कि आओ हमारे साथ मिल जाओ, तो हम दोनों के कस्टमर मिल के ज़्यादा हो जाएंगे। सो वो फिर आपकी जो है ना, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंपनी पर डिपेंड करता है, वरना अदरवाइज ये बहुत मुश्किल काम है किसी को अपना कोलैबोरेटर बनाना। हर किसी को अपनी आइडेंटिटी अजीज होती है। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, ये आपने जो हमें बताया, मैम मतलब हमें काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, लेकिन मैम आपने हमें बताया कि ब्रांड से रिलेटेड जो मैम अगर जैज़ वारिद की भी बात हो रही है वो बहुत आगे, हम अभी स्टूडेंट हैं, अभी हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आना है, तो मैम हमने स्टार्ट लेना है, हमें से सबके पास इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना कि वो इतना बड़ा स्टार्ट ले सके, तो तो उसमें मैम आप हमारे लिए क्या कहती हैं कि हमें अगर वी आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, तो मैम हमें क्या करना चाहिए, आप क्या कहती हैं, हमें किस तरह का बिजनेस स्टार्ट लेना चाहिए जो कि मैम लॉन्ग टाइम जो हमारे लिए मैम। देखिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी कंपनी की, मैंने हरगिज भी आपको ये नहीं कहा कि ये कंपनीज ये करती हैं तो आप ये करें, नो। मैंने आपको कहा कि जब अपनी ब्रांडिंग करने जा रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले कहा कि कस्टमर सेंटर फोकस रहो, ये छोटे बिजनेस के लिए कहा, कंपेटिटर अपना देखो छोटे बिजनेस के लिए का। देखिए जितना भी छोटा बिजनेस होगा मार्केट में जाएगा, कंपेटिटर उसका होता है। आपने बर्गर का ढाबा भी खोलना है ना, तो आप जाएंगे तो आपको मार्केट में 10 बर्गर वाले मिलेंगे, ठीक है ना, तो अपने कंपेटिटर्स को आइडेंटिफाई करें और वो कैसा बर्गर बेचते हैं उससे प्रूफ बर्गर बेचें। इसके अलावा जो है मैंने आपको कहा कि जो है मार्केट को टारगेट करें, अगर आप कपड़ा बेचने जा रहे हैं, आप मास्क बेचने जा रहे हैं, मास्क इज़ अ वेरी इन बिजनेस जो है कपड़े का, तो आप देखिए कि ऑलरेडी कितने मास्क बिक रहे हैं और कौन मास्क ज़्यादा ले रहा है, आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी, क्या आप जनरल पब्लिक को बेचेंगे या आप हॉस्पिटल्स में स्पेशली मेडिकल जो है वो उनको बेचेंगे, ऑलरेडी मेडिकल वाले लोग कौन सा मास्क ले रहे हैं, उनको क्या बैरियर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रेटजी छोटे से छोटा बिजनेस, इवन अगर किसी ने स्टॉल लगाना है ना ज्वेलरी का, ये उसके लिए भी है कि आपने अपने
टारगेट मार्केट को जरूर देखना है. एंड में जो ब्रांडिंग की बात हुई वो भी छोटे बिजनेसेस के लिए थी कि अपने ब्रांड एलिमेंट्स बनाएं, अपना प्रॉमिस डिफाइन करें, आपने लोगों को क्या दे रहे हैं वो प्रॉमिस डिफाइन करके अकॉर्डिंग टू दैट अपने एलिमेंट्स बनाएं, अपना एक ब्रांड लोगो बनाएं जो लाइकेबल हो, जो छोटा हो, जो मेमोरेबल हो. बड़े बड़े नाम ना लगाएं, एक एक सेंटेंस का नाम ना लें, इंटरेस्टिंग जो लोगों को याद रहे. बहुत सारे बिजनेसेस छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके इतनी अच्छी ब्रांडिंग होती है. हमारे रावलपिंडी में एक कपड़े की दुकान है, उसका केबल पे इश्तिहार चलता है और वो एक अंकल खुद ही जो है वो उसका ऐड दे रहे होते हैं. उनका नाम कारीगर है, कारीगर उनका ब्रांड था और वो उन्होंने इतनी अच्छी उसकी स्ट्रेटजी ली, वो केबल पे इतना इश्तिहार चलता है कि पिंडी के बच्चे बच्चे को पता है कि कारीगर की दुकान सदर में कहाँ है. सो छोटे बिजनेसेस को भी जब ब्रांडिंग करनी चाहिए तो अपना लोगो, अपना जो अगर आप, मैं जैसे अपने बच्चों को कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी टारगेट मार्केट किसान है, तो किसानों के लिए अगर आप फर्टिलाइजर बेच रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपका लोगो उर्दू में हो. ठीक है, अगर उर्दू भी ना हो, पंजाब में बेच रहे, पंजाबी में लोगो बनाए. ठीक है ना, उसको अपने टारगेट मार्केट के, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रांड ब्रांडिंग में भी हम अपने टारगेट मार्केट देख के ब्रांडिंग करते हैं. सो अगर आप किसानों के लिए कोई चीज बना रहे हैं तो आप जो है वो ब्रांडिंग पंजाबी में करें. अगर आप पठान हो, केपीके में कोई किसानों के लिए फर्टिलाइजर बेच रहे हैं तो पश्तो में करें ताकि लोग आपके साथ मिल सकें. सो दीज ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज अगर आप इसको छोटे बिजनेस में भी अप्लाई करें तो इक्वली अप्लाई होती हैं और ये सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स छोटे बिजनेसेस के लिए भी उतने ही रेलिवेंट है, बल्कि ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आपके पास तो बजट कम होता है. मेरे जैसे और आपके जैसे बिजनेसमैन के पास तो बजट बहुत कम होता है, तो हमें तो स्ट्रिक्टली इन पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए. ओके मैम. ओके, अब इसको अगर इस जी जी मैम, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब ये आप बता रही हैं छोटा बिजनेस, लेकिन मेरा मानना है बिजनेस लिमिटेड हो बंदे का. मतलब अगर मैंने ब्रांड कपड़े का लॉन्च करना है तो मेरा मेन जो फोकस है ना वो मेरी कोर कॉम्पिटिटर्स को भी अपनी लॉन्च करूं, मींस मतलब ट्रैक सूट्स है उन पे फोकस करूं, वो करूं. अगर मैं ज्यादा फैलाऊंगा वो मैं फोकस ना कर सकूं, ज्यादा मार्केट उसमें ट्रस्ट ना करे. जिस तरह हर चीज का अपना कोर कॉम्पिटिटर्स मैम होता है, बंदा उस पर फोकस करेगा बंदा ज्यादा, मतलब मेरे शर्ट्स, मैं सिर्फ टी शर्ट का बिजनेस करता हूँ मैम, वो ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है एज कम्पेयर टू मैं साथ जीन्स भी बेचू, साथ डिफरेंट चीजें कपड़े भी बेचू, मीन्स वो ब्रांड ही लेगा लोग उस पे, मतलब सही तरह नहीं ट्रस्ट करेंगे. अगर मैं एक चीज लॉन्च करूँ ना जींस करता हूँ तो वो लोग जींस पे ट्रस्ट करेंगे नहीं, यार ये डेनिम का बिजनेस है, इसकी कोर कॉम्पिटेंस ये है. मैं चीज मैं फोकस करना चाहता था इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे हैं आप. वेल डन, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया. और इसका मैं आपको ये भी बता दूं बेटा कि बिजनेस साइकिल्स होते हैं. एक होता है इंट्रोडक्शन जिसे बिजनेस साइकिल कहते हैं, फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर डेट. तो जब आप इंट्रो में, अगर आप नए नए बिजनेसमैन हैं तो जैसे इस बच्चे ने कहा कि आप फिर किसी एक कॉम्पिटेंसी पे फोकस करें. आप इंट्रो लेवल से जाके जब आप ग्रोथ से गुजर के मैच्योरिटी पे जाते हैं तब आप और मजीद बिजनेसेस ऐड करते हैं. जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आपकी मार्केट सेटल हो जाती है, आपकी एक सेटल टारगेट मार्केट इस्टेब्लिश हो जाती है और वो आपसे लॉयल हो जाते हैं तब आप मजीद बिजनेसेस खोलते हैं. ठीक है ना, शुरू में आप एक ही प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करें. जरूरी नहीं है बट कोशिश करते हैं. और ऑब्वियसली ये चीजें आपकी बजट पे, आपकी कॉम्पिटेंसीज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है. आपका ज्यादा बजट है तो आप दो तीन प्रोडक्ट के साथ लॉन्च कर सकते हैं. आपका बड़ा बजट है, आप जो है आपका छोटा बजट है तो आप एक के साथ करें, उसको फैलाएं, उसको मैच्योरिटी स्टेज तक लेके जाएं. हम बिजनेस साइकिल पढ़ते हैं, जब वो बिजनेस साइकिल की मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाए तब आप उसमें मजीद एडिशन करते हैं ताकि आप डिक्लाइन स्टेज पे ना जाएं. मैम बिल्कुल मैम, इसी तरह मैम हमारे इधर एग्जांपल है ओकाड़ा में मैम, यहां पे पिज्जा ऑनलाइन स्टार्ट किया था एक बंदे ने, मतलब दुकान से स्टार्ट किया था अपनी से ना, उन्होंने रखा है तक पिज्जा ही अपने पास ना, कोई और साथ बर्गर वगैरह लॉन्च नहीं किया उन्होंने. और माशाल्लाह उनकी मतलब 25-30 ब्रांच है, मतलब उन्होंने एक दुकान से स्टार्ट किया था अपने घर से, मतलब भी वो पिज्जा ऑनलाइन के अंदर फ्लोर में भी या डीएचए में हर जगह पे है. इसलिए मतलब बंदे को मेन फोकस कोर कॉम्पिटेंस पे, मतलब अपनी जो अपनी चीज लॉन्च करनी है जिस पे आपको ग्रिफ्ट है, मतलब आपका मतलब उस पर हैंड सही हो के आप कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए बेसिकली. मैंने ये पूछना चाह रहा था मैम आपसे ना. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, आई टोटली एग्री विद यू. आपके पास राइट पर्सन है, राइट एक्सपर्टीज है तो आप उस पर फोकस करें. जब तक आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, आप बिल्कुल 100% श्योर नहीं है, आपने मार्केट रिसर्च और कस्टमर रिसर्च कर ली है, तब उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च करें. थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, बहुत ही एनर्जेटिक टॉक थी आपकी. थैंक यू फ्रॉम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच, इट वॉज माई प्लेजर टॉकिंग टू यू. और बहुत एनर्जेटिक ऑडियंस थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने किए ड्यूरिंग द सेशन भी किए. आई एम सो इम्प्रेस्ड
विद यू स्टूडेंट्स एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ और बहुत अच्छा था. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.